प्रिय श्वेतागण, ये चीजें शॉर्ट वेव पर अभी आप सुन रहे थे हमारा बोंडो भाषा में कार्यक्रम। अब सुनिए हमारा हरियाणवी भाषा में अगला कार्यक्रम। आप सारे बाण भाइया का कार्यक्रम आज के वचन में स्वागत है। इस कार्यक्रम में सुनने खातिर आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएंगे और यूँ भी बताएंगे कि उसने आप खातिर अपनी जान दी है ताकि आपने अनंत जीवन मिल जाए। वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो बतावे है कि मैंने चक्कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। प्यारे श्रोताओं, उसके वचन न सुनो। आज का वचन कार्यक्रम सुनने आए सारे बहन भाइयों ने जय मसीह की। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बाइबल की आयत। हमने कुछ इसी बाइबल की आयत तैयार कर रखी है जिन्होंने आप मेजबानी सीख सकेंगे। यह आयत छोटी छोटी है और आपने आयत याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं आवेगी। सबसे पहले हम फिलिपियां की पत्री पाठ एक और उसकी 21वीं आयत देखेंगे। यहाँ संत पौलुस लिख रहा है, मेरी खातिर जिंदा रहना मसीह और मर जाना लाभ है। यह छोटी सी आयत है और यह आयत है बहुत कमाल की। मन ऐसा लागे है कि जिस पर मेरा बाबू कह रहा है कि जीना मेरी खातिर मसीह और मेरी माँ कह रही है कि मर जाना मेरे खातिर लाभ है। इस तरह इस आयत ने हम अच्छी तरह याद कर सकेंगे। कोई भी आयत के पहले हिस्से ने दोहरावे और बाकी आयत के दूसरे हिस्से ने। अगर आप अकेले से सभी घबराने की कोई बात नहीं से इस पूरी आयत ने आप अपने आप पे में बार बार दोहरा सको। इन वचना ने याद करने के पक्ष है एक खास मकसद से। चाहे आप किसी हालत में से ये वचन आपने हमेशा याद करावेगा कि मौत उन खातर भयानक या डरावनी नहीं से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रखे से। अगर आप इसे किसी मानस ने मरता होया देखो सो जो कैंसर से मर रहा से उसके रिश्तेदार के चेहरे पर भी मातम छा रहा से क्योंकि उन दौरे ना तो यह आशा से कि हम अपने मरने वाले भाई ने दोबारा मिलेंगे या नहीं और ना यह आशा से कि स्वर्ग में जाएगा या नरक में। पर हम यीशु मसीह में विश्वास करण आया दौरे दोनों आशा से है। आप उन्होंने और इबिया आयत याद करा के उनकी जिंदगी में आशा भर सको सो और खुशी से भी उनका जीवन भर जाएगा। इन मानसा ने भी इस आयत ने समझावन ने आपका मन होना चाहिए। आप इन्होंने बता सको सो कि मौत मारे जीवन का अंत नहीं से या तो एक दूसरे जीवन की शुरुआत से। अगर आपकी मौत पापा में पड़ कर हो जाएगी यानी आपके पाप माफ ना होए आप मर गए तो यह सबसे भयानक बात है। फिर इस मौत के बाद आपने एक इसी मौत का सामना करना पड़ेगा जिसका कभी अंत ना होता। इसने यह दुनिया नरक कहते हैं पर जिन्होंने इस दुनिया में रहते वक्त अपने पापा की माफी यीशु मसीह तक पाई और अपना जीवन यीशु मसीह खातर खोल दिया उन खातर यह आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जीना मेरी खातर मसीह और मर जाना लाभ है। दूसरे शब्द में ये उनका अंगीकार है जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कराया है। इसे मानस जिस तेजी से यीशु मसीह की शिक्षा पर चलने से और मर कर यीशु मसीह से जाकर मुलाकात और उसे गिल्या हमेशा का निवास कराते हैं। यानी दूसरी मौत विश्वासियों खातर स्वर्ग का द्वार है।